हमारे बीच है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और एटा के प्रभारी मंत्री केपी मलिक जी। आइए उनसे बात करते हैं कि आज उनका एटा में दौरा हुआ है, उन्होंने शासकीय योजनाओं का निरीक्षण भी किया है, क्या कुछ उन्होंने पाया है। जी सर, मैं बहुत ही जगह गया हूँ, अन्य गांव में गया हूँ, बहुत सारे स्थलों पर गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गया स्कूल में तो वहाँ पर विद्यार्थियों के साथ साथ स्टाफ ने एक नई सफाई, नया तरीका, नई योजनाएं लागू की उसमें। इसी तरह से मैं जहां भी गया हूं बहुत बेहतर मैंने पाया और मुझे मन से खुशी हुई जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नई योजनाओं लागू की उनमें लोगों ने दिलचस्पी लेकर काम किया। मंत्री जी, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, पूरे देश में माहौल बन रहा है, तो क्या आप भी वहां जा रहे हैं और क्या अपील करना चाहेंगे प्रदेशवासियों से इस अवसर पर? मैं भी जाऊंगा वहां पे और देशवासियों से और आम जन से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो माहौल, जो हालात, जो प्यार, जो सम्मान, राजनीतिक सामाजिक माहौल इस प्रदेश में और इस देश में बना है, ये भगवान की और आपकी कृपा उसे ऐसे ही बना रहे, ये इतना सुंदर माहौल ऐसे ही चलता रहे। मंत्री जी, जो राम मंदिर को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका करता थे इकबाल अंसारी, उन्होंने भी मोदी जी सरकार के कामकाज की तारीफ की है, उन्होंने कहा कि विकास कार्य हुआ है और बहुत से मुस्लिम लोगों ने राम मंदिर के लिए चंदा भी दिया है, वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे वातावरण में? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छाई की कदर की, सच्चाई की कदर की और हर इंसान को, हर व्यक्ति को जो भी अच्छा काम करे, आप करो, मैं करूँ, सरकार करे, जो भी करे, उसकी तारीफ जो भी करेगा, उसकी हौसला अफजाई जो भी करेगा, वो बहुत ही बेहतर होगा। मंत्री जी, अभी थोड़ी देर पहले ही एक निर्णय लिया है प्रदेश सरकार ने कि जो 84 कोसी परिक्रमा है अयोध्या जी में, उस पूरे क्षेत्र में मार्ग में जो शराब की दुकानें हैं प्रतिबंधित कर दी गई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो पहले भी इस मामले में सावधानी बरती गई थी और अच्छी बात है कि एक अच्छे शुभ काम में अच्छाई की जगह अच्छे ही कार्य होने चाहिए, ऐसे कोई कार्य नहीं होने चाहिए जिनकी वजह से सामाजिकता बिगड़ती हो या विघन का रास्ता अपनाया जाता हो। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल यह है कि बीजेपी जो राम मंदिर उद्घाटन को लेकर पूरा कार्यक्रम बना रही है, इस पर विपक्ष का आरोप है कि 2024 के चुनाव को लेकर ये ध्रुवीकरण की साजिश है और वो कह रहे हैं कि इससे चुनाव जीतने की एक कोशिश कर रही है बीजेपी, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे कोई सोच नहीं है, यहाँ धार्मिकता की सोच, अच्छाई की सोच, इस प्रदेश में एक अच्छा माहौल बने, हम सब अच्छे माहौल में जीवन व्यतीत करें, उसके लिए ये सब तैयारियां हैं। 2024 में क्या आप मानते हैं कितनी सीटें मिलेंगी और क्या सरकार दोबारा रिपीट होगी? संख्या बताना मुश्किल है पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ पहले से अच्छा परिणाम आने वाला है, क्योंकि कई योजनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी दी जो आम जन से लेकर इस देश और प्रदेश के हित में। क्या जो विकास कार्य कराए हैं खासतौर से मोदी सरकार में, उनको लेकर चुनाव में जा रही है सरकार? कार्य तो स्वतः ही होते चले जा रहे हैं, तो लोग उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, ना कार्यकर्ताओं को कुछ बताने की जरूरत नहीं, सामने नजर आ रहे हैं कि कितना बेहतर और कितना देश की तरक्की में काम हुआ है। तो ये थे हमारे बीच केपी मलिक जी, जो कि एटा के प्रभारी मंत्री भी हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। इनका साफ कहना है कि 2024 के चुनाव में कामकाज के आधार पर सरकार चुनाव में जाएगी और राम मंदिर का जो उद्घाटन होना है, उन्होंने कहा ये सौभाग्य की बात है कि इस समय में इतना विशाल कार्यक्रम हो रहा है जो कि देश की और प्रदेश की पूरी जो छवि है पूरी दुनिया में और ज्यादा आगे ले जाएगा। एटा से एबीपी न्यूज के लिए राकेश भदौरिया की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।